रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 70 साल के दिग्विजय सिंह कैसे पड़े थे 25 साल छोटी महिला के प्यार में, जाने पूरी कहानी। कहते हैं प्यार न जाति धर्म की दीवार देखता है, न ही उम्र का बंधन और न ही अमीरी गरीबी, मोहब्बत तो बस हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के साथ जब उनको प्यार हो गया था। प्यार भी कोई हम उम्र से नहीं बल्कि 25 साल छोटी महिला से। उनके प्यार ने बड़ा सियासी ड्रामा किया था। आइए जानते हैं दिग्विजय सिंह और उनके प्यार की कहानी आखिर क्या थी। 1947 में पैदा हुए हैं दिग्विजय सिंह। विकिपीडिया की जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जोधगी राजा के नाम से भी मशहूर हैं। वो राजा के खानदान के हैं। उनका जन्म इंदौर में हुआ था। यहाँ गुना जिले की राघवगढ़ रियासत में राजा बलभद्र सिंह के परिवार में 1947 की 28 फरवरी को हुआ था। दिग्विजय सिंह रजवाड़े खानदान के हैं, इस वजह से उनकी पढ़ाई भी अच्छी हुई। वे इंदौर से ही पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं दिग्विजय सिंह। इंदौर से किया है भी। आपको पता नहीं होगा कि कांग्रेस के नेता होने से पहले दिग्विजय सिंह एक इंजीनियर भी थे। जी हाँ, विकिपीडिया के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने डेली कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद इंदौर से ही इंजीनियर की डिग्री ली है। उन्होंने इंदौर के ही GSITS में एडमिशन लिया था और मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। 1977 में पहली बार बने विधायक, 93 में बने मप्र के CM, दिगी राजा पहली बार 1977 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। वे राघवगढ़ क्षेत्र से चुने गए थे। इसके बाद जब अर्जुन सिंह की सरकार बनी तो 1980 से 84 तक सरकार में मंत्री बने। वो दो बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। दिग्विजय सिंह 1993 में पहली बार मध्य प्रदेश के CM बने और करीब 10 सालों तक यानी 2003 तक इस पद पर बने रहे। साल 2015 में पहली बार खुला रिश्ते का रहस्य वन इंडिया की खबर के मुताबिक दिग्विजय सिंह की पहली शादी आशा नाम की महिला से 1969 में हुई थी। उनकी साल 2013 में मौत हो गई थी। इसी के बाद अचानक साल 2015 में एक फोटो वायरल हुई जिसमें 68 साल के दिग्विजय सिंह 25 साल छोटी महिला के साथ दिखे थे। पहली बार दुनिया के सामने वो सच्चाई आई जिसको दोनों न जाने कब से छिपा रहे थे। कौन है दिग्विजय की जिंदगी में आई वो लड़की? जिस महिला की बात हम कर रहे हैं वो टीवी की दुनिया का जाना माना चेहरा है। उनका नाम अमृता राय है। 1972 को उत्तर प्रदेश में जन्मी अमृता राय दिग्विजय सिंह से करीब 25 साल छोटी हैं। अमृता ने अपना करियर BAG फिल्म्स के साथ शुरू किया था। इसके बाद वो स्टार न्यूज, NDTV से लेकर राज्यसभा में प्राइम टाइम एंकर रही। उनके बुलेटिन की जमकर तारीफ होती थी। असिस्टेंट प्रोफेसर से की थी पहली शादी। सीनियर एंकर अमृता राय ने पहली शादी एक असिस्टेंट प्रोफेसर से की थी। इतना उनका नाम आनंद प्रधान है। आनंद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC दिल्ली में मास कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं। अमृता और आनंद के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। इस वजह से दोनों ने साल 2014 में तलाक ले लिया था। हालांकि खबरें उड़ती हैं कि तलाक दिग्विजय सिंह की वजह से हुआ था। कैसे मिले दोनों और कैसे हुआ प्यार? दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई और दोनों के बीच अफेयर कब से चल रहा था? इस बारे में आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन चूंकि अमृता पत्रकारिता का बड़ा चेहरा थी तो जाहिर सी बात है कि पत्रकार बड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं। इसी बीच दोनों में मुलाकात प्यार में बदल गई होगी और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया होगा। दोनों ने हिम्मत दिखाई थी और प्यार कबूल लिया था। अमेरिका में पढ़ा बेटा हो गया था नाराज दिग्विजय सिंह और अमृता। दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद साल 2015 में रिश्ते को नाम देना जरूरी समझा। दोनों ने शादी कर ली थी और सबका मुंह बंद कर दिया था। खबरें थी कि इस शादी से दिगी राजा का अमेरिका में पढ़ा बेटा जयवर्धन सिंह नाराज था। हालांकि उसने इस विषय पर टिप्पणी करने से ही मना कर दिया था। उसका कहना था कि यह पिता का निजी मामला है। नितिन गडकरी पर लगा था फोटो वायरल करने का आरोप। दिगी राजा और उनकी पत्नी अमृता के रिश्ते से जुड़ा एक सच और आपको बता दें, जब दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उस समय यह नितिन गडकरी नाम के किसी ट्विटर अकाउंट से वायरल की गई थी। जब यह आरोप भाजपा नेता पर लगा तब उन्होंने सफाई दी थी कि यह मेरे नाम से बना फेक अकाउंट है, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए।